बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉट एंड टेस्टी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो खीर की रेसिपी है, जो बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर चावल लिए हुए, टोटा चावल हैं, और इनको सोक कर दिया है 20 मिनट्स के लिए। चीनी लिए मैंने 1 कप, इलायची लिए 2। सबसे पहले मैं 2 लीटर्स मिल्क लूँगी और एक डेगची में ऐड करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है खीर, आप दावतों में बनाएं इसे। बहुत लाजवाब बनेगी। 2 लीटर्स मैंने मिल्क ऐड कर दिया एक डेगची में, और फ्लेम मैंने रखा हुआ है लो टू मीडियम। इसे मुझे बॉईल करना है 10 मिनट्स के लिए। अब मैं इसमें इलायची ऐड करूँगी 2। 10 मिनट्स के लिए बॉईल होगा। जैसे ही मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ जो मैंने सोक करे हुए थे, स्टेन कर दिया और चावल सिर्फ डाल दिए हमने। मिक्स करेंगे और मैं इसको कुक करूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट्स के लिए। मीनवाइल आप इसमें चम्मच चला सकते हैं क्योंकि ये बॉईल होके बाहर ना आ जाए। 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो गए हैं चावल इसमें। अब इस पॉइंट पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, रेगुलर शुगर जाएगी 1 कप। इसको मैं कंटिन्यूसली अब चम्मच चलाऊंगी ताकि ये स्टिक ना हो बॉटम में जाके। 20 मिनट्स तक मैं कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चला रही हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से थिक हो रही है। चेक एंड बैलेंस आपको इसका रखना है कि ये जो है दूध जो है बॉयल होके ना बाहर आ जाए। देखें बहुत अच्छी तरह ये डिज़ोल्व हो गई है। बहुत ही जायकेदार हमारी खीर तैयार ही है। लेकिन अब हम इसमें 5 मिनट पहले जो है खोया ऐड कर देंगे। खोया चला जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून। इंस्टेंट खीर भी बन कह सकते हैं आप इसे, बहुत झटपट बनेगी। और अब मैं इसमें पिस्ते और बादाम ऐड करूँगी, बॉइल्ड एंड चॉप किए हुए मैंने 5-5। ये कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए बचा रही हूँ। इसी तरह बादाम करेंगे हम, कुछ इसमें डाल देते हैं और इसको 5 मिनट्स के लिए हम कुक करेंगे ताकि खोया जो है अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो जाए और थिक हो जाए हमारी खीर। अब मैंने डिश आउट कर लिया, अब गार्निश कर लेते हैं इसे हम पिस्ते और बादाम के साथ। खोपरा लिया हुआ है मैंने पिसा हुआ 3 टेबल स्पून। इस तरह हमने सेट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल हॉट एंड टेस्टी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।